शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर परफॉर्म होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है तो इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट को डिटेल में समझेंगे इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स दिस इज कनेक्शन डाइग्राम फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वोल्ट मीटर ए मीटर वाट मीटर को हाई वोल्टेज साइड कनेक्ट करते हैं इसमें एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज साइड कनेक्ट रहता है जिसके हेल्प से रेटेड वोल्टेज का फाइव टू टेन परसेंट वोल्टेज इस सर्किट में अप्लाई करते हैं मतलब अगर इस ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज 500 वोल्ट है तो ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से 500 वोल्ट का 5 टू 10 परसेंट वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड अप्लाई करते हैं जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू होता है एंड इस वैल्यू को वोल्ट मीटर मेजर करता है हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए सेकेंडरी साइड और लो वोल्टेज साइड शॉर्ट रहता है ओपन सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग हाई वोल्टेज साइड कंसीडर किए थे जो कि ओपन था पर यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज साइड है यहाँ पर जो एमीटर है वो सर्किट में फ्लो होने वाली करेंट को मेजर करता है एंड जो वाट मीटर है वो इसमें होने वाले लोसेज को मेजर करता है एज वी नो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड रहता है एंड यहाँ पे हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से बहुत कम वैल्यू का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम क्रिएट होगा एंड कोर के थ्रू सर्कुलेट करेगा सिंस जो कोर लॉस और आयरन लॉस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड रहता है मतलब यहाँ पे रिड्यूस्ड वोल्टेज के कारण लेस मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है तो कोर लॉस भी बहुत कम होगा तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कोर लॉस को हम लोग निगलेट कर देते हैं ड्यू टू तो इट्स निगलिजिबल अमाउंट सो so, जो वाट मीटर है वो कॉपर लॉस को मेजर करेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर का जो रेटेड करेंट है सपोज थर्टी एम तो फुल थर्टी एम सर्किट में अप्लाई करते हैं सिंस जो कॉपर लॉस होता है और आई स्क्वायर आर लॉस वो करेंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है सो रेटेड करेंट के कारण सर्किट में जो कॉपर लॉस प्रोड्यूस होता है उसको वाट मीटर के हेल्प से मेजर करते हैं

सप्लाई वोल्टेज को यहाँ पे वोल्ट मीटर मेजर करेगा एंड रेटेड करेंट को ए मीटर मेजर करेगा एंड इन वैल्यूज़ के हेल्प से हम लोग सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स को फाइंड करते हैं दैट इज़ आर नोट वन एंड एक्स नोट वन तो आर नोट वन हो जाएगा डब्ल्यू एस सी अपॉन आई एस सी स्क्वायर एंड इम्पीडेंस जेड नोट वन के लिए हम लोग लिखेंगे भी वन एस सी अपॉन आई वन एस सी फ्रॉम ओम स्लो एंड अब यहाँ पे एक्स नोट वन को हम लोग इजीली निकाल पाएंगे तो एक्स नोट वन होगा यहाँ अंडर रूट जेड नोट वन का स्क्वायर माइनस आर नोट वन का स्क्वायर दिज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी पोर्शन का बात करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म करते हैं एंड जो कॉपर लॉस है वो करेंट के वैल्यू पर डिपेंड रहता है जबकि कोर लॉस वोल्टेज के वैल्यू पर डिपेंड रहता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें